सब में, बुक में ना दुनिया की हर चीज डाली हुई है, उसमें बेफिक्र रहो। बता रहा हूँ ना, FAR 2 तो मेरा समझो बेबी है, यहाँ से तो करियर शुरू किया मैंने। अच्छा, ये है करेक्शन ऑफ एरर, सही है। वो कह रहा है कि भाई करेक्टिंग एंट्री बना के दें। हुआ ये है, या मैं रीड भी नहीं करूं, खुद कर रहे हो, खुद कर रहे हो ना, रीड कर दूं, रीड कर दूंगा तो इसका मतलब ये कि मैंने आपको समझा दिया। हाँ, करेक्टिंग एंट्री करनी, मतलब रिक्वायरमेंट लिख देता हूं मैं यहां पे। प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्री, FAR 2 में यू विल बी फीलिंग लाइक के हर एक पास पेपर क्लास में करेंगे। और ऐसे सवालों को सॉल्व करने की टेक्निक है, पहले देखो हुआ हुआ क्या है और होना, दोनों का डिफरेंस आप एंट्री पार्क कर दें, सही है ना। क्योंकि अगर वो कह रहा है कि भाई फाइनेंशियल एसेट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस से कर लिया उसके, जबकि करना किससे चाहिए था, अमोर्टाइज कर से। दिमाग में दो तीन चीज़ें आनी चाहिए, उसने कूपन से अकाउंटिंग की होगी, करनी चाहिए IRR से, क्लियर है, और उसने फेयर वैल्यू गेन बुक किया होगा जो कि करना, तो ये दो पंगे ही होंगे ना, उस दो पंगों को सही कर लो भाई, सिंपल। दो शेड्यूल बना लें, एट मिनट्स, 8 मिनट हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि FAR 2 में तुम पेपर खाली रख के और बोलो टाइम ख़त्म हो गया था, क्योंकि FAR 2 इज़ अ माइंड गेम। एग्जाम कह रहे थे, एग्जाम में तो 1.8 मिनट्स पर मार्क होते हैं ना, पर यहाँ पे एग्जाम तो मैं ले रहा हूँ ना, तो टाइम भी मेरा ही होगा। डन, चलें जी। हेक्सागॉन लिमिटेड का एक सवाल है जिसका ईयर एंड 30 जून 2022। 1 जुलाई 2021 को HL ने परचेज किए 1 मिलियन बॉन्ड्स, यानी ये हो गया इन्वेस्टर, सही जी, ऑफ OL ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5 ईच विद अ मेच्योरिटी इन
थ्री, यानी डिस्काउंट पे परचेज किया है। टाइम कितना है? ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी दी हुई है 2 मिलियन, यानी अब इसने इनकर की है तो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। ऑन परचेज ऑफ दीज बॉन्ड द कूपन इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम पेएबल एनुअली ऑन 30 जून, वेल द अप्रोक्सीमेट इफेक्टिव रेट इज 13.28। द फेयर वैल्यू ऑफ ईच बॉन्ड ऑफ ओएल वॉज ₹99 ऑन 30 जून 2022। वो कह रहा है हुआ ये है कि उसने पीएनएल से अकाउंटिंग कर ली इंस्टेड ऑफ, क्योंकि उसकी नीयत होगी कि उसको रखना है आखिर तक, होल्ड टू कलेक्ट सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट, तो करनी चाहिए अमोर्टाइज कॉस्ट की, कर किसके लिए? पीएनएल की। तो अब उसको हमें सही करना है। एक मिनट रुकिएगा बस सही करने से पहले। अच्छा जी, तो सर अब मुझे बताएं, सबसे पहले वो कर लेते हैं जो इसने किया हुआ है, क्या कहा लिया। चलें जी, अब मुझे बताएं इसने किया क्या होगा। सबसे पहले निकाली होगी फेस वैल्यू, आजू बाजू में रखते हैं ना इसको। हमने कहा फेस वैल्यू कितनी है, आपने कहा 100 ईच 1 मिलियन है तो 100 मिलियन हो गया। ओके, डिस्काउंट है तो आपने कहा भाई ₹5 पर इसका क्या डिबेंचर है ये, ओके बॉन्ड्स हैं तो आपने कहा 5 ही हटा दिया। आपने कहा भाई ये हो गया 95, ये हो गई इसकी, देखो अमोर्टाइज कॉस्ट है या जो भी हो, प्रीमियम या डिस्काउंट तो अपनी जगह है ना, उसका तो मसला नहीं है। उसकी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग का मसला है कि आईआरआर से अमोर्टाइज होना चाहिए था और पीएनएल में अमोर्टाइज नहीं होता, तो उसने किया भी नहीं होगा, क्या कहते हो, उसने अमोर्टाइज नहीं किया होगा। अच्छा जी, फिर हमने कहा आपके पास आती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो कितनी है? 2 मिलियन। तो कुल मिला के ये हो गया होगा 90। अच्छा, हम यहां पे कर रहे हैं भाई अकाउंटिंग डन। अच्छा, हुआ क्या होगा, इसने बेवकूफी में इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया होगा, एक्सपेंस को डेबिट किया होगा और कैश को, ये हिसाब किताब होगा। एक चीज तो ये है, अच्छा सोचिएगा, लॉजिक लगाएं, एक चीज तो ये है कि ये कहां चार्ज हो गया, पीएनएल में, जबकि इसको होना चाहिए ओवर द किसके जरिए, आईआरआर के जरिए। यानी एक यहां तक की लॉजिक ये समझ जाती है कि एक्सपेंस ज्यादा बुक हो गया है जो कि रिवर्स होना चाहिए, ऐसा ही है। चलें जी, अब ये बात तो एक हो गई इंटरेस्ट के हवाले से। फिर हमने कहा इसने एक शेड्यूल बनाया होगा ओपनिंग इंटरेस्ट कैश और क्लोजिंग, ओपनिंग रखा होगा इसने 95, इंटरेस्ट बुक किया होगा आईआरआर से या कूपन से, कूपन से, और वो कूपन रेट कितना है इसमें 12%, 12% चिपकाया होगा इसने 100 पे तो कितना आ गया, ये भी 12 और क्लोजिंग 95। फेयर वैल्यू बताइए इसने 99, तो गेन आ गया 4 का, तो इसने एक एंट्री बनाई होगी कैश डेबिट 12 से, इंटरेस्ट इनकम 12 से। अच्छा, इसने फिर एंट्री बनाई होगी इन्वेस्टमेंट और फेयर वैल्यू 4 से। यहां तक कितने लोगों ने सही पिक किया, वेरी गुड, यानी यहां तक पहुंचा दिया ना कि ये हो चुका है। अच्छा, इसकी किताबों में अभी अकाउंटिंग होने के बाद इन्वेस्टमेंट मौजूद है किस पे, 99 पे। आए अब ये देख लेते हैं अकाउंटिंग टू बी डन। हमने कहा सर ये फिनोमिना तो वही है सारा का सारा, यहां पे एंट्री बननी चाहिए थी इन्वेस्टमेंट और कैश कितने से, 97 से, यानी वो कैपिटलाइज होनी चाहिए थी। फिर एक शेड्यूल बनना चाहिए था ओपनिंग इंटरेस्ट कैश और क्लोजिंग। मुझे बताएं ओपनिंग कितना रखते हैं हम, 97। इसने क्या आपको आईआरआर दिया हुआ है,
अच्छा IRR इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 13.28, वो आ रहा है डिस्काउंट की वजह से, ऐसा है ना? यानी आपने अगर आप यहाँ पे अपेरेंटली देखें तो आपका जो कॉस्ट लगी है वो 2 है और आपकी बचत हो रही है 5 की, तो आपका IRR प्रोवाइडेड से भी ज़्यादा है। यानी वो कूपन तो दे रहा है बट आपके जो लगाए गए पैसे हैं उसमें से भी ज़्यादा पैसे दे रहा है, तो ओवरऑल आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज होगी। उलट केस हो गया, जैसे लायबिलिटी में उलट केस था। चलें जी आगे, हमने कहा मैं इंटरेस्ट बुक करूंगा 13.28 पे, ये हिसाब हो गया। अच्छा इसके ऊपर लगाए 97 पे 13.28%, 12.816 डबल एट 16 भी है, पर उसको हम अगर 2 डिजिट तक रखें तब भी समझ आती है बात। कैश और क्लोजिंग 97.88। अच्छा अब ये तो हो गई अमोर्टाइज कॉस्ट की अकाउंटिंग। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, इसकी एंट्री ये बननी चाहिए थी कैश डेबिट 12 से, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम कर लेते हैं पहले, इंटरेस्ट इनकम आ गई 12 पॉइंट, और आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होनी चाहिए थी इससे, सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज आना चाहिए था, वो भी डिस्काउंट की अमोर्टाइजेशन का, नथिंग मोर देन दैट। हमने तो फेयर वैल्यू गेन बुक किया हुआ है कितने का, 4 का। तो अब एक एक करके हिसाब किताब देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले अगर मैं आपको एक आसान सी बात समझाऊं, मेरी इन्वेस्टमेंट है कितने पे, 99, होनी कितने पे चाहिए, 97.88 पे। तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट आप कम कर लें 1.12, इन्वेस्टमेंट इतने से ज़्यादा थी हमने कम कर ली, और ये तो बात कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो फेयर वैल्यू गेन की वजह से ज़्यादा थी, क्योंकि अमोर्टाइजेशन की वजह से कुछ वैसे ही होनी थी, बाकी फेयर वैल्यू गेन की वजह से ऊपर निकल गई थी। क्लियर है? आगे फिर हमने कहा कि भाईजान ये तो हो गया, इन्वेस्टमेंट सही हो गई, आपका इंटरेस्ट इनकम कितनी बुक हुई हुई है, 12 की होनी चाहिए, 12.88 की। क्या कम हुई हुई है ज़्यादा? कम हुई हुई है। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम बुक करेंगे 0.88 से। यहां तक क्लियर है? अच्छा जी अब मुझे एक बात बताएं, क्या कैश में कोई पंगा है या कैश बिल्कुल सही है? अच्छा आप लोगों ने एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस बुक किया हुआ है जो कि होना नहीं चाहिए, तो आपने कहा कि सर वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस है वो कितने का है, 2 का, क्योंकि आप तो अमोर्टाइज कर रहे हैं, तो ये भी सही हो गया। अब फेयर वैल्यू गेन भी बुक किया हुआ है कितने का, 4 का, तो आपने कहा जो फेयर वैल्यू गेन बुक किया हुआ है उसको क्या करें, रिवर्स। कितने का? देखो एंट्री बैलेंस होती है, हो गई, ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री है ये वाली। एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट गलती से एक्सपेंस आउट कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, इन्वेस्टमेंट को सही कर लिया और इंटरेस्ट इनकम को सही कर लिया, और फेयर वैल्यू गेन था उसको सही कर लिया, तो ये बन के 4-4 रुपए की एंट्री हो गई ना कुल मिला के। क्लियर है? अच्छा मैंने अलग अलग क्यों किया, PNL में एक साथ कर लेते सर, हर एक लाइन आइटम अलग है, हर एक लाइन आइटम। एग्जामिनर आपको कहे PNL के एक्सट्रैक्ट बना के दो, तो क्या पूरे PNL पे एक जगह इम्पैक्ट है या अलग अलग जगहों पे? तो वो अलग अलग जगहों को अलग अलग कर लिया। हाँ वो बोलता पूरा प्रॉफिट पे इम्पैक्ट बताओ, तो फिर आप अकॉर्डिंगली देखते। क्लैरिटी है? चलिए जी ऑनलाइन बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर ही है? हाँ जी जल्दी से। आप लोगों को मेरे ख्याल से FAR 1 में भी करेक्शन ऑफ एरर में मौत आती थी ना, कि है क्या होना क्या चाहिए, तो ये वापस आ गया यहाँ पे, सही है? पर ये कि ये यहाँ पे वापस आ गया पर अलॉन्ग विद अदर स्टैंडर्ड्स, IFR स्टैंडर्ड्स, कि उसमें अगर गलतियाँ हुई होंगी तो क्या होगा,
अब आगे जाओगे मेरी बुक में सवाल आते हैं कि लीज की अकाउंटिंग गलत की भी उसको सही करो, तो करेक्शन ऑफ एरर तो डिफरेंस निकाला है, मैंने भी तो डिफरेंस ही निकाला है। तो एक्सप्लेनेशन तो इसलिए ना कि हर एक को समझ आ जाए। आप अलग अलग एंट्री भी बना सकते हैं, अलग अलग एंट्री भी बना सकते हैं, पर सबका आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। मेरे हिसाब से एक साथ बनाने का मकसद ये होता है कि पूरी एंट्री एक ही जगह क्लब हो जाएगी, अलग अलग करने की कोई नीड नहीं है। यानी एग्जांपल है, फेयर वैल्यू गेन अगर रिवर्स करना है तो आप पहले गेन रिवर्स करें, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करें, फिर इन्वेस्टमेंट को प्लस माइनस करेंगे, अल्टीमेटली 1.12 से कम हो रही होगी। तो अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, मेरी प्रेफरेंस एक साथ की होती है ताकि सारे इम्पैक्ट एक ही जगह पे आ जाएं। क्लियर है? क्योंकि जब एग्जाम में आप सही करने लगोगे तो 10 एंट्रियां देखनी होंगी या एक, एक अगर इसकी रिपोर्टिंग भी करनी हुई तो। यहां तक क्लैरिटी है? तो अब हम ये करते हैं कि आज जो क्विज देंगे उसमें ऐसी कोई नमूनेगिरी कर लेंगे, सही है? तो आज के लिए फेस्टिवल खत्म होता है सवालात का, कल से फिर शुरू हो जाएगा, सही है? तो ये वाला नहीं दूंगा मैं आपको अभी, ये तो मैं क्लास में ही कराऊंगा, क्विज आ जाएगा आपको, सही है? चले मिलते हैं, ओके, अल्लाह हाफिज़।